कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति को एक संदेश और गया है कि आज के इस घोर कलयुग में अपने सम्मान की, अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए स्वयं अपने कर्मों पर खड़े होना होगा। यदि हम उस आत्मविश्वास के साथ हमारे नारी शक्ति को जगा देंगे तो इस कलयुग में घूमने वाले राक्षस हमारे इन देवियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। यह इस कार्यक्रम का एक भव्य संदेश है। ये कहने का आशय ये था कि वर्तमान में हम देखते हैं बच्चियों के साथ, माँ बहनों के साथ छेड़खानी की घटनाएं, उनके साथ उनकी अस्मिता को लूटने की घटनाएं, रेप की घटनाएं जो होती है, ये हमारे सबके लिए, पूरे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे परिस्थिति में बेटियां भी अपनी आत्मरक्षा के लिए आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहे, पुलिस भी खड़ी रहे, मीडिया भी खड़ा रहे, नेता भी खड़े रहे, ये तो सबको खड़े रहना है, मीडिया को भी माहौल बनाना है, लेकिन बावजूद इसके हर नारी को एक आत्मविश्वास के साथ खड़े होना होगा। नहीं, वो हार्दिक पटेल का अपना विचार है, उस पर मैं क्या टिप्पणी। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही। कैलाश बाबू है, गाये भगाए उल्टा सीधा बयान देते हैं, नंद कुमार सिंह चौहान को आदत पड़ गई है, अरे तुम जैसे दुष्टों ने तो वादा किया था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तुम जैसे लोगों ने तो वादा किया था कि हमारी सरकार बना दो, अच्छे दिन आएंगे। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि कलयुग चल रहा है, तो अच्छे दिन का वोट मांगने के लिए अच्छे दिन आए, और अब कलयुग, खुद ये बोल रहे हैं नारी शक्ति के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कि बहुत सारी महिलाओं, लड़कियों के, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि बलात्कार खूब हो रहे हैं इस प्रदेश में। अब बहनों तुमको ही सशक्त होना पड़ेगा, मतलब शासन प्रशासन और भाजपा अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ के महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ा रही है। तुम्हारी पुलिस कहाँ गई, तुम्हारा प्रशासन कहाँ गया, तुम्हारा